एवरीवन, गुड आफ्टरनून। अभी दोपहर के बज रहे हैं एक, और आद्या को मैंने बाबू बना दिया है, तैयार कर दिया है। और आज है थर्सडे, तो आज बृहस्पतिवार है। इस वजह से हम मतलब घर पे जो क्लीनिंग वगैरह होती है, जैसे पोछा लगाना, कपड़े धुलना, ये सब काम नहीं करते हैं, क्योंकि आज थर्सडे थर्सडे के दिन ये सब नहीं करते। साबुन का इस्तेमाल मतलब कपड़े वॉश नहीं करते हैं हम, और आज के दिन प्याज भी नहीं बनता है हमारे यहाँ, तो आज ये सब काम कम है। और हाँ, कॉन्फ्रेंस देंगे उनको, और ये सब काम आज कम है, और लेकिन यही सारा काम कल बढ़ जाएगा। तो कल मुझे वॉशिंग मशीन भी लगानी होगी, तो कल ज्यादा काम होगा। इसलिए मैंने सोचा आज दोपहर से ही अपना ब्लॉग है वो शुरू कर लेते हैं। और सुबह का जो छोटा मोटा जो काम होता है, लाइक झाड़ू वगैरह लगाना, ये सब तो हो गया है। हरवे स्कूल के लिए निकल गए हैं, उनके लिए टिफिन दे दिया है, तो वो अपना टिफिन लेके चले गए हैं। और अभी मैं आध्या के लिए नूडल्स बनाऊंगी, नूडल्स लाइक मैक्रोनी। तो मैं मैक्रोनी बनाऊंगी। आध्या खाओगे ना मैक्रोनी? हाँ, कॉर्नफ्लेक्स खाना है। ओके, तो हाँ वो भी करना, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। तो अभी मैं आद्या को कॉर्नफ्लेक्स दे देती हूँ, कॉर्नफ्लेक्स खाना है इसको, दूध में डालकर। बहुत अच्छा लगता है। ओके, और क्या अच्छा लगता है तुमको, बता दो। आलू के पराठे अच्छे लगते हैं, पूरी सब्जी भी अच्छी लगती है। और आलू टमाटर भी अच्छे लगते हैं। तुमको तो अच्छा अच्छा लगता है मेरा बच्चा। हम मर भी जाते हैं इसलिए, हम खाने नहीं खाते इसलिए मटर। तो चलिए किचन में बनाती हूँ आद्या आद्या के लिए मैक्रोनी। हाँ, कॉर्नफ्लेक्स भी देंगे, थोड़ा सा कॉर्नफ्लेक्स भी खा लो दूध में डाल के, फिर तुम्हारे लिए मैक्रोनी बनाऊंगी अच्छी वाली, ठीक है? यम्मी। यम्मी, चलो। ओके, चले चलो। अच्छा, क्या ले लो यार, यहाँ कॉर्नफ्लेक्स बन गया, बन रहा है। ये तो एनिमल्स होते हैं जो मैं दूध में कॉर्नफ्लेक्स डाल रही हूँ, चलो खाओ, ठीक है? ठंडा खा जाके, ठीक है? तो आज आपको मैंने कॉर्नफ्लेक्स दे दिया है दूध में डालकर, ऊपर कर लेती थी। जाओ देखो फैल रहा है, धीरे से देखो, देखो देखो फैल रहा है। अटको कटोरी पकड़ो, सीधी करो कटोरी को। हाँ, अब जाओ जाओ जाओ, अच्छे से बैठ के खा रहा। हाँ, तो आज आपको अभी मैंने मैक्रोनी सॉरी कॉर्नफ्लेक्स दे दिया है दूध में डालकर, और ये है पास्ता, तो ये बनाऊंगी मैं। मैक्रोनी पास्ता है ये, चीज मैक्रोनी, तो मैं इसे पहली बार बनाने जा रही हूँ, तो देखते हैं कैसी लगती है खाने में, मैं भी थोड़ी सी टेस्ट कर लूंगी। तो अभी ये बनाऊंगी, और ये दूध बॉईल कर रही हूँ आद्या के लिए। सुबह आद्या के लिए जो दूध रात को जो मैंने बनाया था वो फिनिश हो चुका है, इसलिए सुबह मैं उसके लिए दूध गर्म करके रख देती हूँ। अभी से गर्म करके रख दे रही हूँ ताकि वो थोड़ी देर बाद वो दूध मांगेगी तो थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा, गुनगुना दूध मैं उसको देती हूँ पीने के लिए। तो इसको हो जाने देंगे और फिर ये पास्ता बनाती हूँ। तो सबसे पहले मैं इसको आधा बनाऊंगी, क्योंकि पता नहीं खाने में टेस्ट में कैसा लगे, मुझे इसका टेस्ट वगैरह कुछ पता नहीं है, तो इसका मैं हाफ बनाऊंगी। हाफ में मैं इसका हाफ मसाला यूज करूंगी, और इसमें दो ग्लास दो टू कप पानी लगता है, यानी 250 ml, इसलिए मैं इसमें एक कप पानी से ही बनाऊंगी। तो चलिए शुरू कर लेती हूँ बनाना।
हाँ जी मैक्रोनी तो बनके तैयार है, ये देखिए। तो पहली बार बनाई है और थोड़ी गर्म है अभी, और ठंडी हो जाए फिर मैं भी टेस्ट करके देखूंगी। हालांकि मैंने आद्या के लिए बनाई है और मैं भी थोड़ी सी टेस्ट जरूर करूंगी। और पहला बाइट आपके लिए, प्लीज आप लोग भी खा लीजिएगा और मुझे जरूर बताइएगा कैसी लगी कॉमेंट सेक्शन में, ठीक है। आद्या और वो क्या बोल रहे हूँ मैं, आद्या, तो आद्या कॉर्नफ्लेक्स जो खा रही थी वो छोड़कर आ गई है, बोल रही है मुझे कोई मैक्रोनी खिलाओ। तो चलिए, बच्चा ये है, कभी मैक्रोनी कभी कॉर्नफ्लेक्स ये सब चीजें मांगती रहता है। और अभी ये मैं इसको मैक्रोनी खिलाने जा रही हूँ, थोड़ी सी मैं भी टेस्ट कर लूंगी। तो चलिए पहले मैक्रोनी फिनिश करते हैं, ओके। किसके लिए? बेटा के लिए। कौन से बेटा के लिए? भैया के लिए। ओके चले, चलो। तो फ्रेंड्स अभी हम लोग गए थे गिफ्ट लेने और गिफ्ट लेकर आए हैं। चुन्नी डाली थी क्योंकि अच्छा लगता है ऐसे ही बाहर गए थे तो चुन्नी डाल लेने से। तो गिफ्ट लेके आए जो कल जब गए थे बच्चे का अन्नप्राशन में आंटी के यहाँ पर जो मेरी नेबर है, तो मैं पूजा में गई थी तो इसलिए कुछ गिफ्ट नहीं लेके गई थी और कुछ खरीदा भी नहीं था, और बस पूजा में कुछ पैसे चढ़ाने के लिए लेके गई थी बस। तो अभी मैं गिफ्ट लेके आई हूँ उसके लिए। तो जैसे ही मैं गिफ्ट की शॉप पर पहुंची हूँ, यही थोड़ी दूर पे ही है, तो आद्या बहुत चिल्लाने लगी मुझे ये दे दो मुझे ये दो, कुछ भी लू तो आद्या को चाहिए, अब वो भी तो छोटी है ना। तो मैंने कुछ इस टाइप का गिटार लिया है छोटा सा, तो इसमें तो डोरीमोन बना है, उसमें हार्ट बना है एक, तो इस टाइप का मैंने लिया है और उसको पैक करा लिया है। ये देखिए पैक करा लिया है, तो अब मैं आंटी के यहाँ देने जा रही हूँ, नहीं तो उनकी जो बहू है वो भी बाहर रहती है कहीं, नहीं तो वो आज चली जाएगी और बेबी चला जाएगा तो फिर किस काम का। तो मैं आज अभी इसको जाके दे के आती हूँ, तो आद्या ही ले, आद्या इसके पीछे पड़ के रहेगी। तो मैंने घर आके इसको इसका गिटार दिया है और सेल्फी डाल दी है और वो बजा रही है और मैं इसको ये देके आती हूँ। तो फ्रेंड्स मैं गिफ्ट देके आ गई हूँ आंटी को, और करीब अभी 2:30 बज रहे हैं और थोड़ी सी भूख लग रही है क्योंकि आज लंच नहीं बनाया है, सुबह जो हस्बैंड के लिए बनाया था तो थोड़ी सी सब्जी बनाई थी और उनको दे दी थी टिफिन में, क्योंकि आज सब्जी वगैरह ये सब खाने का थोड़ा मन नहीं था। आज मेरा मन कर रहा थोड़ा खिचड़ी तहरी ये सब कुछ खाने का, तो मैं थोड़ी खिचड़ी बनाने जा रही हूँ। और उसके लिए थोड़ी सी मटर है मैं छील रही हूँ, क्योंकि मटर डाल के खिचड़ी बहुत अच्छी लगती है और विंटर्स में खिचड़ी में मटर आलू मटर ये सब चीजें तो अच्छी लगती ही है। और तो मैं अभी मटर लेके आई हूँ फ्रिज से, थोड़ी सी छीलूंगी मैं और खिचड़ी बनाऊंगी, थोड़ी सी आद्या को भी खिलाऊंगी और मैं खाऊंगी क्योंकि मुझे भूख लगी है। थोड़ा सा ही पास्ता बनाया था तो मैंने 1-2-4 चम्मच मैंने खाए, फिर आद्या ने खा लिया था। हाँ आद्या क्या मटर खाना है? हम दे हम दे हम दे, ये लो छीलोगे आप? लो धीरे से निकलना, धीरे से इधर से निकलो साइड से। आद्या आई है मटर लेने के लिए, तो मैं मटर को छील लेती हूँ।
वादिया की शरारत शुरू हुई, मैं खिचड़ी चढ़ाने के आ गई, वादिया ने चुन्नी लेकर शुरू हुए ना। क्या कर रहे हो? को बैंका। और ये है वो गिटार, आधा भी खेल रही थी, यही बजा रही है। सेल निकाल दिए हैं, और जो इसकी ये सेल है ना, ये बैटरी वाले सेल है, मतलब ये चार्जिंग वाले सेल है, इसको चार्ज भी कर लेते हैं। और ये भी मैंने ऑनलाइन ऑर्डर किए थे। आद्या क्या कर रहे हो? मेकअप देख लो, मेकअप कैसे किया जाता है। आद्या ने सीख लो मेकअप करना, है ना? आता है मेकअप करना आपको? वाओ। और ये चुन्नी क्यों डाले हो? मम्मा की है ये तो। मेरी है, हम डाले हैं। आप डाले हो? पल्ला कैसे किया जाता है दिखा दी आद्या। कैसे करते हैं पल्ला? हो गया, कांता बाई बन गई। कौन बन गया? कांता बाई। मेरे कामा है। अच्छा, कांता बाई से मिल रहे हो भाई? कांता बाई, आहा, दिखे दिखे बहू आई छोटी सी घर पे मेरे। देखो देखो देखो, वाह देख कैसी है। पापा इसको नहीं पहनते। पापा थोड़े, पापा इस, पापा गर्ल्स थोड़ी ना है। गर्ल नहीं हो आप, गर्ल्स हो ना तो आप स्कर्ट भी पहनोगे। हाँ तो फ्रेंड देखो आद्या कहाँ बैठी हुई है। आद्या बोली मुझको सौंफ होती है ना छोटी वाली सौंफ, उसमें चीनी डाल के दे दो मुझे, और अच्छा भी होता है वो सौंफ और चीनी डाल के खाना थोड़ा, तो ये मांग रही थी तो मैंने इसको ये दे दिया है। और खिचड़ी भी यहाँ बन गई है, तो इनको यहाँ बैठना था तो मैंने इनको यहाँ बैठा दिया। मैंने बोला कि बहुत कम जगह है यहाँ पर तो इसलिए दूर ही रहना, तो बिठा दिया है बट मैंने, है ना? कैसा लग रहा है? मुंह बना बना के खाओगे? मुंह बनाकर खिचड़ी खाना है? अभी नहीं, बन गई अभी तो आता है। हाँ अभी गर्म है। तो देखिए हमारी खिचड़ी भी बन के तैयार है, तो मैं निकाल लेती हूँ। आजा तुम रहना ठीक है, मैं खिचड़ी निकाल लूँ थोड़ी सी। बहुत बहुत सी ताता खिचड़ी आप लोग भी खा लीजिएगा, है ना? मटर डाल के तो और भी अच्छी लगती है। थोड़ा थोड़ा ही डालूंगी मैं ना, ज्यादा नहीं डालूंगी, ज्यादा नहीं डालूंगी। तो गर्मा गर्म खिचड़ी तैयार है, और इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा घी डालेंगे इसमें हम, है ना? क्या डालेंगे? घी। बहुत सारा घी? बहुत सारा नहीं, थोड़ा सा घी। थोड़ा सा घी, एक चम्मच घी। एक चम्मच, एक चम्मच घी। गिर जाओ गिर जाओ, गिर नहीं रहा है। गिराओ गिराओ इसको गिराओ। अरे माँ मेरा गिर जा, गिर गया। और इस खिचड़ी में जितना आप घी डालोगे खिचड़ी का स्वाद उतना ही बढ़ता जाएगा। तो बस बन गई खिचड़ी और खाती हूँ मैं। चले आ जाओ, अभी नहीं बैठे। नहीं नहीं अभी बैठना, बस ज्यादा नहीं बैठते भी, आप एक बैठ रहोगे अकेले, मैं चली जाऊंगी फिर आप गिर जाओगे, कौन देखेगा आपको, है ना? चलो शरारत शुरू तुम्हारी, ये लग जाएगा सर में पीछे। अच्छा 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 मेरा बच्चा, अच्छा मेरा बच्चा, अच्छा मेरा बच्चा। मुंह नहीं बनाते सब लोग, क्या कहेंगे? हजा तो शरारत करती मुंह बनाती है, है ना? क्या खाया आपने सबको बताओ, क्या खाया? सौंफ। गाइस शाम के बज रहे हैं 4, और खाना खाने के बाद थोड़ी देर आराम करने लगे थे। ये देखिए आध्या सो गई है, थोड़ी देर पहले ही सोई है, करीब आधा घंटा पहले। तो मैं भी साथ में थोड़ा सा लेट गई थी तो, बट मुझे नींद नहीं आई, तो मैंने सोचा अभी इस वीडियो का एंड भी करना है। तो अभी बज चुके हैं करेक्ट 4, और मेरे हस्बैंड जस्ट कुछ ही मिनट में आने ही वाले हैं। तो चलिए फिर मैं इस वीडियो को यहीं पे करती हूँ एंड। अगर आपको मेरा वीडियो थोड़ा भी पसंद आया है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।